अल्लाह के अजाब को दावत, ताना टांडा के गांव में दरिंदगी की नई मिसाल, जवान साला लड़की की लाश को कब्र से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, लाश की बेहरमती, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए नमूने ले लिए गए। थाना टांडा में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक चकमाला के रहायशी अब्दुल हालक वल्द अल्लाह दिता कौम जट ने बताया कि इसकी भांजी 20 साल निदा नजीर दुख्तर नजीर अहमद, जो जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर थी, गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई, जिसे शाम 6 बजे कमाला चक के कब्रस्तान में सुपुर्द हाक कर दिया गया। उनका कहना है कि वो आज सुबह 7 बजे नजीर अहमद वल्द पीरा दिता और मोहम्मद याकूब वल्द नजीर अहमद के हमरा फातेहानी के लिए कब्रस्तान गए, जहाँ निदा नजीर की कब्र खोदी पड़ी थी और लाश कब्र से बाहर पड़ी थी। इतला मिलने पर SP इन्वेस्टिगेशन, DSP सदर सर्कल, SHO थाना टांडा भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने लाश को कब्जा में ले लिया, जबकि फोरेंसिक लैब के अमला ने लड़की से मुबैना ज्यादा और मुलजमान को ट्रेस करने के लिए नमूने लेकर लेबॉरेटरी भिजवा दिए। DPO गुजरात उमर सलामत का कहना है कि ऐसे दरिंदा सिफ्त अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुलजम जहाँ भी हो अल्लाह के फजलो करम से हर हाल में उन्हें ट्रेस करके निशाने इबरत बनाएंगे। इस अंदोहनाक वाकया के बाद इलाका में कहना मच गया, खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अवाम ने DPO गुजरात से मुतालबा किया है कि ऐसे दरिंदों को फौरी गिरफ्तार करके सरेआम इबरत का निशान बनाया जाए। टांडा से साथी रिपोर्टर मंजूर मलक के साथ प्रिंस शाहिद भुट्टा, BB1 न्यूज, जलालपुर जट्टा।